घन को गिनते समय हमें एक बात का विशेष ध्यान रखना होता है, हमें यहाँ पर ऐसे भी घनों की संख्या गिननी होती है जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। दिखने के साथ साथ जो ना दिखने वाले घन होते हैं उनको भी गिनना होता है, और जो चीज दिखाई ना दे उसको गिनना कितना आसान काम हो सकता है या कितना कठिन काम हो सकता है वो आप खुद समझ सकते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में ऐसे ही हमने प्रश्नों को लिया है और उनको बहुत ही आसान विधि के साथ हल करना सीखते हैं। एक एक करके प्रश्नों को देखते हैं इनके। कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जहां पर ट्रिक्स लग सकती हैं और कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जहां पर हमें काउंट करना पड़ेगा। देखिए पहला प्रश्न है ये इस तरीके से जो है, अब यहां पर आप वास्तव में घन को देखें तो आपको तीन घन दिखाई दे रहे हैं, एक दो और तीन, लेकिन इसके एग्जैक्ट आंसर जो है वो तीन नहीं है। हमें यहां पर वो घन भी देखना है जो इसके पीछे है। जैसे ये वाला जो घन है, ये वाला जो घन है, ये तभी तो ऊपर आएगा जब इसके पीछे एक और घन रखा हुआ होगा। तो अब इस तरीके के प्रश्नों को दो तरीके से हल किया जा सकता है, दोनों तरीके मैं आपको दिखाता हूं। देखिए एक बार आपको क्या काम करना है कि ये वाले जो घन है जितने यहां पर दिखाई दे रहे हैं उनको लिख लेंगे और इसके बाद नीचे से कट करते हुए जाएंगे, अब जो बचे रह गए उसको लिख लेंगे और इनको ऐड कर देंगे। तो इस प्रश्न के लिए आंसर निकल के आ जाएगा चार, यानी टोटल घनों की संख्या कितनी हो गई, चार। दूसरा तरीका यह है कि यहां पर आप नंबर डालेंगे, जैसे यहां सबसे पहले नीचे से शुरुआत करेंगे, कितने क्यूब्स दिखाई दे रहे हैं, दो। इसके बाद यहां पर ऊपर कितना दिखाई दे रहा है, एक। ये हमने नंबर डाल दिए। नंबर डालने के बाद ये जो हमने नंबर डाले हैं इनकी रिवर्स में मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां दो लिख दिया और यहां एक लिख दिया, कितना आ जाएगा, दो इकन दो और दो इकन दो, और इनको ऐड कर देंगे तो दो और दो कितना हो जाएगा, चार। तो दोनों ही तरीके जो है वो बहुत अच्छे हैं। तो इस तरीके के वाले फिगर में आप जो है फिगर को काउंट कर सकते हैं बहुत आसानी से। बस ध्यान यहां पर यही रखना है कि हमें क्यूब्स, खास तौर से क्यूब्स के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि क्यूब्स ऐसी आकृति है जो 3D के रूप में मानी जाती है। टोटल 6 सतह होती हैं लेकिन दिखाई हमें 3 ही देती हैं। तो क्यूब्स के क्वेश्चन करते समय हमें वो भी क्यूब्स गिनने हैं जो नहीं दिख रहे हैं। यहां पर इस तरीके के प्रश्नों में सबसे विचित्र बात यही है कि गिनना पड़ेगा, अगर नहीं गिनेंगे तो वो प्रश्न आपके लिए गलत हो जाएगा। इसके लिए उत्तर क्या आ गया, चार। अब देखिए ये वाला प्रश्न है, हम यहां पर अगर नंबर डालें तो नीचे वाली ये जो लाइन है इसमें कितने हैं, एक दो तीन, यानी यहां कितने हो गए, तीन, और इसमें एक दो और ऊपर में ये एक। तो एक बार हमने ये इस तरीके से नंबर डाल लिए, अब यहां पे जो संख्या आई है इनको उल्टा करके तीन दो और एक ऐसे करके लिख देंगे, इसके बाद इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, तीन इकन तीन, दो दूनी चार और तीन इकन तीन, कितना हो गया, तीन और चार सात और सात और तीन दस। यानी इस फिगर के लिए आंसर क्या आ गया, दस। जो हमने दूसरा वाला तरीका बताया था काउंट करने वाला, वो क्या तरीका था उसको भी देखते हैं। एक बार में सारे काउंट करेंगे, कितना, एक दो तीन चार पांच छह। इसके बाद नीचे वाली लाइन यानी ये वाले क्यूब्स हमने कट कर दिए, इनको नहीं देखना। फिर अब इसको काउंट करेंगे, एक दो तीन, अब ये वाली लाइन कट कर दी, अब इस जो ये ऊपर वाला क्यूब्स रह गया है इसको देखेंगे तो यहां कितना है, एक, अब इनको ऐड कर देंगे, छह और तीन नौ और एक दस। तो ऐसे भी प्रश्न हो जाएगा और इस तरीके से भी आप कैसे भी करके प्रश्नों को हल कर सकते हैं, दोनों ही तरीके बहुत अच्छे हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नीचे कितनी संख्या है, एक दो तीन चार, तो यहां चार हो गए, इसमें यहां एक दो तीन, इसमें एक दो और ये एक। अब इसके रिवर्स से हमने रिवर्स ऑर्डर में नंबर लिख लिए, चार तीन दो एक। इस तरीके के प्रश्न अगर आप सही तरीके से करते हैं और ट्रिक से करते हैं तो 5 सेकंड से ज्यादा का समय नहीं लगेगा कैलकुलेशन में। तीन दूनी छह, तीन दूनी छह और चार इकन चार, चार छह दस और छह सोलह और चार बीस, कितना आंसर आ जाएगा, 20। अगर हम काउंट करें तो देखिए, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस, नीचे वाली जो कट कर दिया, इसके बाद एक दो तीन चार पांच छह, ये वाली लाइन कट कर दी, फिर एक दो तीन, ये वाली लाइन कट कर दी और फिर ये एक।
10 और 6 16 और 3 19 और 1 20। तो दोनों ही तरीके से आंसर, और दोनों ही तरीके बहुत इजी है। ऐसा नहीं कि दोनों में ये वाला तरीका जो है कठिन है और ये इजी है, दोनों ही बहुत इजी है, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहां पर क्यूब्स की संख्या बढ़ती जाएगी। अब इस तरीके के प्रश्न में आपको ध्यान क्या रखना है, ये जो तरीका है मैं आपको जो बता रहा हूं ये उन्हीं प्रश्नों में लगेगा जहां पर एक एक करके एक एक क्यूब्स ऊपर अगर कम होता जा रहा है। जैसे नीचे वाली लाइन में कितने दे रखे हैं 5, इससे ऊपर वाली लाइन में कितने दे रखे हैं 4, इससे ऊपर वाली लाइन में 3 और यहां 2 और यहां 1। ये वाला जो तरीका है, जो तरीके मैंने आपको इस प्रश्न के लिए बताए हैं, ये कोई से भी तरीके केवल इसी तरीके के प्रश्न में लगेंगे जहां पर एक क्यूब्स एक एक करके कम होता जा रहा है ऊपर। अब यहां पर 5, 4, 3, 2 और 1, 5 × 5 हो गया, 4 × 2 = 8 और 3 × 3 = 9, 4 × 2 = 8 और 5 × 5 = 5, 8 × 5 = 13 और 9 = 22 और 8 = 30 और 5 = 35। इसके लिए आंसर कितना हो गया 35 क्यूब्स। अब अगर आप इनको देखो कि वास्तव में कितने दिखाई दे रहे हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ही दिख रहे हैं, लेकिन 15 के साथ साथ कितने नहीं दिखाई दे रहे थे 20। तो हमें आंसर क्या देना होता है, दिखने वाले और ना दिखने वाले दोनों को मिलाकर ही। अगर घन के क्वेश्चन है, क्यूब्स के क्वेश्चन है, तो क्यूब्स की सबसे बड़ी बात यही है कि जो दिखाई दे रहा है, दिखाई देने वाले क्यूब्स और ना दिखाई देने वाले क्यूब्स, इनको दोनों को मिलाना पड़ता है, यानी दोनों ही देखने होते हैं, तब तो आपका आंसर सही आएगा और नहीं तो आपका उत्तर गलत आएगा। दिखने वाले भी काउंट करने हैं और ना दिखने वाले भी काउंट करने। अब देखिए जो आपको तरीका बताया है वो तरीका केवल उसी तरीके के प्रश्न में लगेगा जहां पर संख्या एक एक के रूप में कम होती जा रही है। अब नीचे वाले इसको देखें, देखिए नीचे वाली लाइन को, अब यहां से हम इन दो इसको कम कर देते हैं, एक तो ये वाला घन हमने निकाल दिया और एक ये वाला जो रेड रेड में किया है, ये दो क्यूब्स अगर हम निकाल दें तो देखिए एक तरीके से वही इमेज बन जाएगी। देखिए नीचे कितने हो गए 1, 2, 3, 4, यहां कितने हो जाएंगे 1, 2, 3 और 1, 2 और ये 1, उल्टे क्रम में यहां कितना हो गया 4, 3, 2, 1, इनकी मल्टीप्लाई कर दिया, 4 × 4, 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6 और 4 × 4, ये कितने हो गए 4, 6, 10, 6, 16, 4, 20। लेकिन इसके साथ साथ एक ये वाला और एक ये वाला, ये दो हमने इसमें ऐड कर लिया तो आंसर कितना जाएगा 22, यानी ऑप्शन पहला वाला। तो जो तरीका हमने सीखा उस तरीके को अप्लाई हमें यहां पे करना होगा। आप अगर इसको इस तरीके से काउंट करोगे कि नीचे वाली प्लेट पर कितने हैं, नीचे वाली सतह पे कितने, ऊपर वाली पे कितने, तब उसमें काउंट करने में हो जाएगा काउंट, लेकिन टाइम ज्यादा स्पेंड होगा। और हम वो तरीका सीख रहे हैं जहां पर हम क्वेश्चन को बहुत कम समय में हल कर सके। देखिए अब यहां पर यहां ये क्वेश्चन जो है वो अलग टाइप का हो गया। अब इसको काउंट करने के लिए हमें सबसे पहले सबसे नीचे से शुरुआत करेंगे। देखिए ये देखते हैं कि 1, 2, 3, 4, यानी यहां पर जो दिखाई दे रहे हैं वो हमें इस वाली लाइन में 4 क्यूब्स 4 घन दिखाई दे रहे हैं। अब 4 यहां हो गए तो 4 ही यहां होंगे और 4 ही यहां होंगे और 4 ही यहां होंगे। तो अगर हम इन सबको ऐड कर दें तो नीचे वाली लाइन में 16 क्यूब्स हो गए। और हम बात करें ये दूसरे वाली जो इसके ऊपर रखे हुए हैं, तो देखो 1, 2, 3, तो 3 और 3 = 6 और 3 = 9, यानी यहां कितने हो गए 9 हो गए, यहां कितने थे 16 और ये कितने हो गए 9। इससे ऊपर अगर यहां पर आते हैं ये वाले इसमें, तो 1, 2, 3 और 1 जो हमें नहीं दिखाई दे रहा है तो कितने हो जाएंगे 4 और 1 ये वाला। देखिए 16 और 9 = 25 और 4 = 29 और 1 = 30, इन्हें आंसर कितने आ जाएंगे 30 क्यूब्स होंगे। एक ही बात मैं आपसे बार बार कहूंगा, ऐसे प्रश्न जब भी एग्जाम में आएंगे और आते हैं, लेटेस्ट जो भी एग्जाम चल रहे हैं वहां पर इस तरीके के प्रश्न पूछे भी जा रहे हैं, जब भी ऐसे प्रश्न आएंगे तो आपको एक ही बात ध्यान रखनी है कि ऐसे क्यूब्स को भी काउंट करना है जो आपको यहां पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन आए वो आप क्या करो, उसमें ये भी ऑप्शन दे रखा हो कि जो आपको दिखाई दे रहे हैं
केवल उतने ही क्यूब्स किसी एक ऑप्शन में हो और आप खुशी खुशी उसको लगा दो। तो बस या क्यूब्स के क्वेश्चन करते समय हमें एक ही बात पर फोकस करना है, जो नहीं दिख रहा है उसको भी काउंट करना। अब देखिए यहां पर ये दो इमेज है, दो इमेज को एक साथ ऐड किया गया है। तो अगर हम इस क्यूब्स को निकाल दें, देखिए ये क्यूब अगर हम अलग कर दें तो ये वाला जो क्यूब है और ये वाला क्यूब है ये सेम हो जाएगा। इसको अगर हम काउंट कर लें तो इसका डबल हो जाएगा और हम एक और इसमें ऐड कर देंगे। तो देखिए काउंट करने के लिए क्या काम करना है, इसको हमने छोड़ दिया, यहां से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नीचे, फिर उससे ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर सबसे ऊपर, और उसके बाद जो पीछे यानी ये वाली जो रो है इसके पीछे जितने होंगे, ये डायरेक्ट तो आने गया ऊपर, यानी नीचे से आ रहे होंगे तो उसको काउंट करेंगे। देखिए एक दो तीन चार पांच छह, यानी यहां कितने हो गए छह, इसके बाद एक दो तीन चार, ये कितने हो गए चार, इसके बाद एक दो, यहां कितने हो गए दो। अब ये वाला जो क्यूब्स है जो ऊपर रखा हुआ है, ये इनके ऊपर तो है नहीं, ये इनके पीछे वाले क्यूब्स पे है, और पीछे वाले क्यूब्स कितने होंगे, देखिए एक दो तीन, अब ये चौथा ऊपर रखा हुआ होगा, यानी इन पीछे कितने हो जाएंगे एक दो तीन चार, तो चार ये हो गए। हमने इनको काउंट किया कितने हो जाएंगे, छह चार दस दो बारह, और बारह चार सोलह। इस वाले फिगर के लिए अगर बात करें, इस वाले फिगर के लिए यहां से और इधर के लिए, इस वाले फिगर के लिए टोटल हो गए सोलह, तो सोलह भी इसमें हो जाएंगे और एक ये वाला हो जाएगा, तो कितना आंसर हो जाएगा, सोलह प्लस सोलह और प्लस वन तैतीस। तो थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा इस तरीके के प्रश्नों में, एकदम से आप सोचो कि बस फिगर को देखा और मैजिक किया और आंसर आ गया, तो कुछ ऐसे सवाल होंगे जहां पर मैजिक हो जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे सवाल होंगे जहां पर आपको काउंट करना ही पड़ेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बार पूछा गया है, इस तरीके के क्वेश्चन में अब अगर हम देखें तो यहां पर ये जो है एक क्यूब छोटे छोटे टुकड़ों में कटा हुआ है, तो हम एक तरीका यानी इसको काउंट कर लेते हैं। ये देखिए कितना है, एक दो तीन, तो ये तीन क्यूब्स हो गए यहां तक, तो तीन और तीन छह और तीन नौ, यानी ये वाली पट्टी में ये नौ हो गए, और कितने भागों में है, एक भाग दूसरा भाग और तीसरा भाग, तो कैलकुलेट कर दिया, नौतिया सत्ताईस, यानी आंसर क्या जाएगा सत्ताईस। सब तरफ से बराबर तरीके से कटा हुआ है, तो हमने सबसे पहले काउंट कर लिया, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, यहां नौ हो गए, नौ दूनी अठारह, नौतिया सत्ताईस। देखिए इसमें देखते हैं, एक दो तीन चार पांच, ये कितने हो गए पांच, और ये कितने, सब पांच ही पांच होंगे, सभी में पांच ही होंगे, कितने आ गए पांच पांच दस पांच पंद्रह पांच बीस और पांच पच्चीस, यानी इस एक लाइन में यहां तक इधर यहां पच्चीस हो गए, तो एक ही हो गई एक ही हो गई एक ही हो गई, तीन बार तीन भागों में कट रही है, तो पच्चीस थी पिछहत्तर। इस प्रश्न के लिए आंसर क्या आ जाएगा, पिछहत्तर क्यूब्स। अब देखिए ये भी इसी तरीके का प्रश्न है, काउंट करने का तरीका वही रखना है हमें, हम एक बार इसको काउंट, देखिए सबसे पहले देखते हैं कितने भागों में बटा हुआ है, एक दो और तीन, देखिए एक एक दो तीन और एक ये चार, चार भागों में बटा हुआ है, तो हम पहले वाले भाग को यानी इस वाले भाग, ये इससे नीचे वाले, इस पट्टी पर जितने भी क्यूब्स हैं उनको काउंट कर लेते हैं, उसके बाद उसका हम कितना कर देंगे चार गुना कर देंगे और आंसर आ जाएगा निकल के। देखिए एक दो तीन चार पांच छह सात और ये आठ, यानी ये आठ हो गए, ये वाले आठ हो गए, ये आठ हो गए और ये भी आठ हो जाएंगे, और लास्ट में ये भी आठ, कितने हो गए आठ दूनी सोलह आठ चौक बत्तीस, यानी सभी में बत्तीस बत्तीस है। अब देखिए कितने इसमें बत्तीस हो गए, ये बत्तीस हो गए, तो ये भी बत्तीस होंगे, सभी में बत्तीस हो जाएंगे क्योंकि तो सब तरफ से बराबर है, और इनको अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, दो चार छह आठ, और तीन तीन छह तीन नौ तीन बारह
कितना आ जाएगा 128 घन। टोटल इस फिगर के लिए कितने क्यूब्स हो जाएंगे 128 क्यूब्स बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन करने का तरीका हमें सेम वैसे ही रखना है। अब यहां पर हमें ये जो क्यूब्स दिखाई दे रहे हैं एक के ऊपर एक, लेकिन उसमें भी छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया है, तो सबसे पहले हम एक भाग को काउंट कर लेंगे, उसके बाद एक भाग और एक इसके नीचे और एक ये, टोटल कितने भाग हैं? चार बड़े क्यूब्स दिखाई दे रहे हैं, दिख कितने रहे हैं? तीन दिख रहा है और एक नहीं दिख रहा है, एक दो तीन, तो तीन दिख रहे हैं और एक वो वाला जो नहीं दिखाई दे रहा है, तो टोटल चार है। तो जितने एक में होंगे उतने ही दूसरे में होंगे और उतने ही तीसरे में होंगे, क्योंकि सबके खाने देखिए बराबर है, सब कितने कितने भागों में बटे हुए हैं, चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार और एक दो तीन चार, सब बराबर भागों में बटे हुए। तो जितने एक घन में होंगे बड़े वाले में छोटे छोटे घन, उतने ही सभी सभी में होंगे। तो अगर हम इसको काउंट करें तो देखिए इसमें देखें तो एक दो तीन चार, यहां चार हो गए, तो चार चार आठ, चार बारह, चार सोलह, यानी यहां कितने आ गए 16, इसमें भी कितने आ जाएंगे 16 और यहां भी 16 और लास्ट वाले में भी 16, यानी कितने हो गए 16 चौका 64, यानी इस फिगर के लिए कितने क्यूब्स हो गए 64, यहां कितने हो जाएंगे इसमें भी 64, इसमें कितने हो जाएंगे इसमें भी 64 और 64 इनके नीचे इन तीन के पीछे जो एक और नीचे रखा हुआ है 64 वहां होंगे, तो कितना हो जाएगा 64 गुणा 4, 4 चौक 16 और 4 छक 24 और 1 25, टोटल क्यूब्स की संख्या कितनी आ जाएगी निकलकर 256। हम उन प्रश्नों के बारे में बात कर रहे हैं जो लगातार किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं यहां से। अब देखिए यहां से जो प्रश्न, अब जो नेक्स्ट प्रश्न आया है, जो अब तक जो पिछले वाले दो तीन क्वेश्चन थे वहां पर जो क्यूब्स था उसमें वो कटे हुए क्यूब्स नहीं दिखाई दे रहे थे, अब यहां पर कटे हुए आ गए, तो कटे हुए वाले प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे? जितनी सही आकृति होगी उसको देखते हैं, उसके बाद बचे हुए को काउंट कर लेंगे। देखिए सबसे नीचे वाले को अगर हम देखें, सबसे नीचे वाली लाइन पर, तो देखिए यहां पर कितने हो जाएंगे, देखिए कितने भागों में बटे हुए हैं, एक दो तीन चार, यानी इस वाले में कितने हो गए चार, यहां चार हो गए, यहां भी चार हो जाएंगे, यहां भी चार हो जाएंगे और इसमें भी चार हो जाएंगे, यानी नीचे कितने हो गए 16 हो गए, यानी यहां कितने हो गए 16। ऐसे ही देखिए ये सेम ये वाली फिगर, ये वाली, तो यहां पर भी 16 हो गए। अब ऊपर वाले रो में आते हैं, कौन से वाले में, तीसरे वाले में, इस वाले में, इसमें 16 होते लेकिन ये एक कटा होने की वजह से एक कम कर दिया, तो कितने रह जाएंगे 15। इस एक भाग को हमने यहां पर कट कर रखा है तो यहां पर कितने रह गए 15, तो यहां तक कितने हो गए 15। अब ऊपर अगर नंबर डालें तो देखिए एक दो तीन चार पांच छ सात आठ और एक ये नौ, देखिए कितने हो गए 16 दूनी 32 और 16 तीन 48 यानी 47 और 47 और 9 कितने हो गए 56, यानी कितने इस पूरे फिगर के लिए कितने क्यूब्स हो जाएंगे 56। अगर एक एक करके काउंट करेंगे तो काउंट नहीं होंगे। अब देखिए इस प्रश्न में नीचे देखते हैं, सबसे नीचे यानी ये वाली जो लाइन है इसके नीचे, यहां एक दो और तीन, तो तीन और तीन छह और तीन नौ, यानी यहां कितने हो गए 9। ऊपर इसमें यहां भी 9 होते लेकिन ये एक भाग जो कटा हुआ है तो उसमें एक कम हो गया, तो कितने रह गए 8। इसके ऊपर देखिए यहां ये कितने है? एक दो और एक भाग ये हो गया, यानी तीन हो गए, एक भाग ये, एक भाग ये, एक भाग ये, तो तीन ही हो गए, 9 और 8 17 और 3 20, यानी आंसर कितना आ जाएगा 20। ऐसा आपने एक खेल भी खेला होगा जिसमें जो कलरफुल क्यूब्स होता है जिसमें बदलकर सभी एक सतह पर सेम कलर लाते हैं, सेम वही है यहां पर। अब देखिए हमने सबसे नीचे यहां देखा कितना है, एक दो और तीन, तो तीन यहां इसमें तीन हो गए और यहां तीन हो गए और लास्ट में कौन सा जो दिखाई दे रहा है, यहां तीन हो गए, यानी नीचे वाले इसमें कितने हो गए 3 3 9। इसमें देखें, देखो एक दो तीन, तो तीन और तीन छह और तीन नौ इसमें हो गए और यहां यहां देखिए हमें पूरे 9 के 9 दिखाई दे रहे हैं, एक दो
चार, पांच, छ, सात, आठ और ये नौ, तो इसमें नौ हो गए। तो यहां पर आंसर कितना निकल के आ गया? 27 क्यूब्स, ऑप्शन सी यानी तीसरा। अब देखिए यहां पर सबसे नीचे जो है वो बड़ा क्यूब्स, फिर उससे छोटा क्यूब्स और ऊपर सबसे छोटा क्यूब्स। तो सबसे नीचे वाले को काउंट कर लेते हैं। देखिए इसमें देखते हैं, यहां ऊपर से देख लेते हैं, एक दो तीन, तो तीन और यहां पर तीन छह और तीन नौ, यानी यहां पर टोटल इस वाली लाइन में यहां तक कितने आ गए? नौ। यहां भी कितने आ जाएंगे? नौ। और यहां, यहां भी आ जाएंगे नौ। कितने हो गए? यहां तक हो गए 27। अब इस वाले में देखें तो देखिए एक दो तीन और एक इसके पीछे चार और पांच छह सात और एक इसके पीछे आठ। अब देखिए फिर से समझो, देखिए यहां पर अगर हम इस वाले क्यूब्स को थोड़ी देर के लिए हटा दें, हटा दिया, तो यहां पर देखिए एक दो तीन और एक इसके ठीक पीछे यानी नीचे होगा, तो चार ये हो गए और चार ये हो जाएंगे, यानी कितने हो गए? ये आठ हो गए और एक ये ऊपर वाला, तो 27 और आठ 35 और एक 36। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसके लिए? तीसरा वाला ऑप्शन 36। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहां पर भी सेम तरीका वही रखना है। ऐसे कोई भी प्रश्न में सबसे नीचे से शुरुआत करते हुए और काउंट करते हुए चले जाएंगे। देखिए यहां इसको देख लेते हैं बस, यहां यहां कितने हैं? एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, ये आठ है, तो आठ ये हो जाएंगे, आठ ये वाले हो गए, आठ ये हो गए, आठ ये हो गए, आठ ये और आठ ये, कितने हो गए? आठ दूनी 16, आठ तीन 24, आठ चौक 32, आठ पंच 40 और आठ छह 48। 48 नीचे वाले इसमें क्यूब्स में सतह पर कितने हो गए? 48। अब हम इनके बारे में बात करें तो देखिए अगर काउंट करें तो एक दो तीन चार, चार चार आठ, चार बारह, बारह दूनी 24, बारह तीन 36 और बारह चौक 48, यानी यहां पर भी हमने काउंट किया तो कितने आ गए? 48। ऊपर वाले में देखें तो देखिए एक दो तीन चार पांच छ और छ ही ये नीचे होंगे यहां पर, तो कितने हो गए? 12। 48 और 12 60 और 60 और 48 108, ऑप्शन चौथा वाला। अब ये एक ऐसा फिगर है, जितने ऊपर वाली लाइन में है उतने ही क्यूब्स नीचे वाली लाइन में होंगे, तो काउंट कर लेते हैं, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस और ये 28। यानी ऊपर कितने क्यूब्स हो गए? 28। ऊपर 28 और नीचे भी 28, तो आंसर कितना निकल के आ जाएगा? 56, ऑप्शन दूसरा। अब देखिए शुरुआत, एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि इस तरीके के जो भी क्यूब्स के क्वेश्चन होंगे आपको काउंट करते समय नीचे से ही शुरुआत करनी है। अब नीचे देखें तो देखिए इसमें देखते हैं इस वाले पट्टी पर, ये वाली एक दो तीन चार, यानी यहां कितने हो गए? चार। ये भी कितने हो जाएंगे? चार। यहां चार, ये चार और ये चार, चार आठ बारह सोलह और ये, यानी यहां पर 20 आ गए। अब देखिए ऊपर देखते हैं, इसमें देखते हैं ये वाला जो है, ये एक दो तीन चार और ये एक दो तीन चार, यानी ये कितने हो गए? आठ। यहां तक ये बाहर बाहर वाली जो बाउंड्री दिखाई दे रही है ये वाली, ये आठ हो गए और आठ और आठ 16 और आठ 24, 24 ये हो गए। अब ऊपर वाले काउंट कर ले तो एक दो तीन चार और ये भी एक दो तीन चार, कितने हो जाएंगे? आठ ही हो जाएंगे। तो देखिए 24 और आठ 32, 32 और 20 52, ऑप्शन पहला वाला।
अब इस तरीके के प्रश्न में हमें जब भी ऐसा प्रश्न आएगा आधे तिरछे क्यूब्स वाला, तो हमें यहाँ पर काउंट ही करना पड़ेगा। तो आइए एक एक करके इसको काउंट कर लेते हैं। देखिए, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, आठ के बाद नौ, और नौ के बाद ये वाला जहां पर ये लाइन खींची है, दस, और दस के बाद इसके ठीक आगे जो दिखाई नहीं दे रहा है, ग्यारह, कौन सा वाला, जिस पर ये टिका हुआ है, ये वाला क्यूब्स बारहवें नंबर का, वो ग्यारहवां नंबर हो गया। बारह हो गए, बारह के बाद तेरह, और तेरह के बाद एक और इसके नीचे होगा, जो तेरह के नीचे होगा वो कौन सा होगा, चौदह, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, और चौदह के बाद ये पंद्रह। तो इस तरीके से इस फिगर में टोटल क्यूब्स कितने हो गए, पंद्रह, ऑप्शन पहला वाला। इस तरीके का प्रश्न आपको एग्जाम में थोड़ा तंग कर सकता है, जहां पर कोई भी लॉजिक नहीं लग रहा है, आकृति आड़ी तिरछी है, यहां पर एग्जैक्ट ये नहीं पता चल रहा है कि इससे पिछली वाली लाइन में कितने क्यूब्स होंगे, तब वहां पर आपको अनुमान के तहत काउंट करना पड़ेगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं नीचे, एक, दो, तीन, चार, पांच, और पांच के बाद देखिए यहां पर ये है, ये वाला क्यूब्स जो ऊंचा दिखाई दे रहा है, इसके नीचे एक और होगा जो हमें नहीं दिखाई दे रहा है, तो छठा वो हो गया। उसके बाद सात, आठ, नौ और एक दस। तो इस पूरे फिगर के लिए टोटल क्यूब्स की संख्या कितनी आ गई, दस। ऐसा प्रश्न हमने एक पीछे भी किया था, फटाफट से इसको देख लेते हैं। नंबर डालते हैं एक, दो, तीन, तो यहां कितने हो गए, तीन, इसमें कितने हो गए, तीन, और यहां कितने हो गए, तीन, यानी ये मिला के कितने हो गए, नौ। यहां देखते हैं तो एक, दो, तीन और एक इसके पीछे वाला, इस वाले क्यूब्स में कितने हो जाएंगे, चार, और एक ये वाला, एक और चार पांच, नौ और पांच चौदह, ऑप्शन पहला। बहुत ही अच्छा सवाल और बहुत बार पूछा गया सवाल है। कटा हुआ, कटी हुई आकृति है, तो नीचे से एक एक करके काउंट कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम इस वाली रो में देखते हैं ये लाइन में कितने हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच। तो देखिए यहां पर अगर पांच हो गए तो इसमें भी पांच होंगे और यहां भी पांच होंगे, कितने हो गए, नीचे कितने हो गए, पंद्रह, यहां पंद्रह हो गए। अब देखते हैं यहां पर इसमें एक, दो, तीन, चार, पांच। अब देखिए पांच तो हो गए ये, और पांच ही इसके पीछे ये वाला जो क्यूब्स है, इसकी लाइन जो जिस पर ये टिके हुए हैं ऊपर वाले, तो पांच हो जाएंगे वो, तो पांच और पांच कितने हो जाएंगे, दस। देखिए यहां पर कितने हैं, दस, कैसे हैं, देखिए एक, दो, तीन, चार, पांच, और पांच ही इसके पीछे, तो ये दस हो गए। अब इसके बाद ऊपर वाले देखें तो ये वाले आगे वाले क्यूब्स तो कटे हुए दिखाई दे रहे हैं और पीछे वाले क्यूब्स पूरे हैं, तो पीछे वाले को अगर हम यहां से काउंट करें, ये वाले क्यूब्स देखें तो ये कितने हो जाएंगे, पांच, और ये वाले क्यूब्स देखें तो एक, दो, तीन, चार और पांच, यानी ये वाले क्यूब्स भी पांच हो गए। अब छूट जो गए हैं कौन से, एक, दो, तीन, चार और एक ये पांच। अगर हम इन सबको काउंट कर लें तो देखिए पंद्रह और दस पच्चीस और पांच तीस और पांच पैंतीस और पांच चालीस, ऑप्शन एक पहला वाला। देखिए इस वाले फिगर में देखते हैं, नीचे देखते हैं, देखिए एक, दो, तीन, तो यहां कितने हो गए, तीन, यहां भी तीन हो गए और इसके पीछे यहां भी तीन हो जाएंगे, तो ये कितने हो जाएंगे, तीन, तीन, छह, तीन, नौ। अब देखिए एक, दो, तीन, चार और एक ये पांच, और पांचवा जिस पे टिका हुआ है एक उसके नीचे होगा, तो छह, नौ ये और छह ये, नौ और छह पंद्रह। अभी हाल ही में यूपी पुलिस के एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन किसी एक शिफ्ट में पूछा भी गया है, तो इस फिगर के लिए कितने आंसर हो जाएंगे, पंद्रह क्यूब्स। अब देखिए इसमें गिनते हैं, एक तरफ से गिनते हैं, देखिए एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, यानी बाहर वाली जो बाउंड्री है यहां पर कितने हैं, तेरह। अब इसके पीछे देखते हैं, देखिए एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, देखिए बाहर जो दिखाई दे रहे हैं सात, और इसके पीछे भी सात ही होंगे, कौन से वाले, ये वाले,
जो पीछे है ये भी सात होंगे, तो देखिए कितने हो जाएंगे, 13 तो ये हो गए और सात 14 ये हो गए, और इसके बीच में देखिए एक दो और एक ये वाला जो कोने में रह गया, कितने तीन, ये तो कितने हो जाएंगे 14 और 3 17 और 13 30, ऑप्शन पहला। तो ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं, तो जो छोटे में कोने में दिखाई दे रहा है ऐसे क्यूब्स भी हमसे मिस हो जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन करते समय छोटे छोटे कोने वाले क्यूब्स भी आपको ध्यान रखने हैं। देखिए इस क्वेश्चन में अगर बात करें तो ये क्वेश्चन ऐसा लगेगा कि इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता, बहुत भयंकर, लेकिन इसको काउंट करने का तरीका बताते हैं कि एक किसी कोने को पकड़ते हैं। देखिए इस वाले कोने के बारे में बात करेंगे, ये वाला कोना जो है, इस कोने में हम केवल क्यूब्स देखेंगे कितने हैं, केवल क्यूब्स का मतलब क्यूब्स ही है सारे। तो देखिए एक यहां दिख कितने रहे, एक दो तीन, इस तीन के पीछे यानी यहां ये इस तीन के पीछे चार है, एक दो तीन और एक इनके पीछे, तो यानी यहां कितने हो गए सात। ऐसे ही इस वाले कोने पर सात, देखो एक दो तीन दिखाई दिए और पीछे वाला चार हो जाएंगे, ऐसे ही सेम इस वाले कोने पर, यहां देखिए दिख कितने रहे हैं, यहां पर अलग तरीके क्योंकि साइड से आकृति पड़ गई, लेकिन यहां पर भी सात होंगे, चारों कोनों पर सेम है, तो सात 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 कोने पर हो गए। और हम बीच के बारे में बात करें तो देखिए एक ये क्यूब्स हो गया, एक ये वाला क्यूब्स हो गया और एक ये हल्का छोटा सा बुक दिखाई दे रहा है, एक वो क्यूब्स हो गया, यानी तीन तीन तो ये हो गए, तीन इसके पीछे, जबकि दिख नहीं रहा है, इसके पीछे कुछ नहीं दिख रहा है लेकिन है, क्योंकि सब तरफ से सेम आकृति है, यहां सात यहां सात यहां सात यहां सात, इसलिए सब तरफ की आकृति सेम है, तो तीन ये तीन ये तीन ये वाले और तीन ये वाले, एक दो और एक तीन, तो कितने होंगे सात दूनी 14 सात की 21 सात चौक 28 और 28 और 12 40, इस फिगर के लिए कितने क्यूब्स हो जाएंगे 40। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन करते समय बहुत ही धैर्य और पेशेंस रखना चाहिए, नहीं तो एकदम से गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। अब देखिए इस प्रश्न में क्या काम करेंगे हम, इसमें क्यूब्स को बाहर से अंदर काउंट करते हुए चलेंगे। देखिए सबसे पहले हम बाहर वाले ये क्यूब्स हैं इनको काउंट करें, तो नंबर डालेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां देखिए इसमें कितने हो गए 9, ये भी 9 हो जाएंगे और यहां भी 9 हो जाएंगे, ये 9 हो जाएंगे और ये वाले 9 हो जाएंगे, कितने हो गए 9 दूनी 18 9 3 27 9 4 36 9 5 45, ये 45 क्यूब्स हो गए। इसमें बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7, देखिए सात कहां हो गए, सात ये वाले हो गए, सात ये वाले हो गए, सात ये और सात ये, तो सात कितने हो गए चार बार, सात चौक 28। अंदर वाले देखें 1 2 3 4 5, पांच ये पांच ये और पांच ये, तो पांच तीन 15 ये, और लास्ट में एक ये वाला, ये सिंगल ही है कोई कटा हुआ नहीं है, तो एक ये वाला हो गया, तो अगर हमने इनको काउंट किया तो 45 और 28 73 और 15 73 और 15 78 और एक और 88 और एक 89, यानी कितने क्यूब्स हो जाएंगे 89 क्यूब्स हो जाएंगे इस फिगर के लिए। बहुत ही अच्छा सवाल है ये। देखिए सीढ़ी की तरह पिरामिड की तरह कुछ आपको आकृति दिखाई दे रही है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सब तरफ से बराबर है या नहीं है। देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी सब तरफ की आकृति बराबर है। अगर हम एक साइड के क्यूब्स काउंट कर लें तो चारों साइड के क्यूब्स निकल के आ जाएंगे, उसके बाद जो ये बीच वाला क्यूब्स जिस पर खड़ा है वो बिल्कुल नीचे तक जो क्यूब्स होंगे वो काउंट कर लिए जाएंगे। तो अगर हम इनको काउंट करें तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15 हो गए ये, तो 15 ही होंगे यहां और 15 ही होंगे यहां पर और लास्ट 15 होंगे यहां पर। और इससे अलग जो ये वाला क्यूब्स है जो जिस पर ये इन पर रखा हुआ नहीं है, ये अलग नीचे से जो क्यूब्स आए होंगे उन पर है, तो देखिए एक तो ये दिखाई दे रहा है और नीचे इसके पैरेलल बराबर इसके पीछे होंगे, तो देखिए 1 2 3 4 5 और एक ये 6, इसमें 6 और हम काउंट कर देंगे तो 15
दूनी 30, 15 दिया 45 और 15 चौका 60 और 6 66। ऑप्शन पहला वाला। तो क्यूब्स के क्वेश्चन करते समय थोड़ा सा हमें ध्यान और थोड़ा सा दिमाग और थोड़ा सा लॉजिक, ये तीन बातें आपको ध्यान रखनी है। बहुत ही अच्छे सवाल थे जो आज के हमने कराए हैं और आने वाले एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं ये वाले क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से देखने के लिए मिलेंगे। तो इस 25, 26, 27 क्वेश्चन करीब है, इनको बार बार प्रैक्टिस करके इनके उत्तर रट लो, और रट लोगे तो करने नहीं पड़ेंगे, फटाफट से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आप इनके उत्तर लगा देंगे। चलिए आज की क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद।